वाह दीदी वाह, तू भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों के सामने क्या क्या फेंकते हैं हाँ? पता नहीं तेरा ये ख्वाब पूरा भी होगा या नहीं। हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया? अरे धर्म पत्नी, तुम्हारे सलाम के लिए बाथरूम में पानी गर्म हो गया। श्याम सुंदर? अरे अब काहे का श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की सुंदरता की तो उसी दिन दशा हो गई थी जिस मनहूस घड़ी में वो इस घर में दामाद बनकर आया था। अब तो नहीं रह गया कोई मेरा मकाम, सुबह से शाम तक है मुझको घर का काम और इसी तरह हो जाएगी मेरी जिंदगी तमाम। सुबह सुबह ये सड़ी हुई कविताएं सुना के मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं मरना नहीं मुझे है जी। अरे बंद करो अपनी ये घटिया कविता और ध्यान से सुनो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए ना, उसके मैचिंग के जूते भी निकाल के रखना समझे, वरना उन्हीं जूतों से मार मार कर तुम्हारी कविता भुला दूंगी। मैं तो इस घर में पति बनकर आया था, मैं तो पत्नी बनकर रह गया। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। अरे ओ सड़िया कविराज, लगता है कविताएं गागा कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ धर्म पत्नी? ये देखो ये कुत्ती के नहाने का साबुन तुमने मेरे नहाने के लिए रखा है। ओ शट अप, जाओ और जाकर दूसरा साबुन ले आओ। सठिया क्या, अरे साबुन बनाने वालों को आजकल इंसानों और कुत्तों में फर्क ही नजर नहीं आता। हे भगवान, कहां फंसा दिया मुझको अमीरों के बाजार में। बड़ी साली को पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, छोटा लड़कियों के पीछे है और बड़ा बिजनेस में बिल्डिंगों के पीछे। आईब्रो ब्रश कौन सा? ओफो इतने साल हो गए आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में, मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कमर से नहीं पांव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा, अच्छा नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है, बोलू? नो चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। आओ आओ ये क्या कर रहे हो? ए ए शाम छोड़ो। हे भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहता हूं जाओ यहां से। राधा तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है, बोलू? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना, और हाँ मुझे ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना। ओके, ब्राउन वाली विग भी आ जाएगी, याद से लाना, मैंने ये में लगे रहोगे। अरे अरे क्या करनी है? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, अरे अर्जुन मेरे दोस्त, क्या हाल है मेरे भाई, कितने सालों बाद मिला तू? मेरा मामला तो बिल्कुल फिट है यार, ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग, तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती तो नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले फिर कभी बात करेंगे, ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल। नहीं 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 अर्जुन नहीं, और दरवाजा खोल, बैठ जा ठंडे में, बैठ मेरी जान, शाम बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है, क्या कर रही है अंदर, रसोई में कुछ काम नहीं है क्या है? चलो चलो जी, कबाड़ में जी स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ देखा
मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली। तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है और पूरा चोर बाजार। चोर बाजार? चोर बाजार बोला? शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी? तू समझेगा नहीं यार, मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेर बाजार का दलाल हूं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर हर काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। दुनिया में जीने से तो बेहतर है। गुड नाइट कहते हुए मुंह में दर्द होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है? शाम? तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। व्हाट? जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन आज सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी, फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है, क्या मुंह लटक गया फोन पर लड़की की आवाज सुनकर। तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा? हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया डायल। बाहर से फोन उठाने का मतलब है ताल में जरूर कुछ काला है। लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है, लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना? मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाओ। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए। कैसी हो मेरी जानू? हाँ, तुम्हारे बिना कैसे हो सकती हूँ। तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कमबख्त रात नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना। रात में मिलो ना। मैं भी यही चाहता हूँ पारो, कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती कमीनी। कमीनी कुत्ती? अब रातें भी गुजारना चाहती है? छी, मत कहो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। लगता है मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना, दोपहर को जरा प्यार भी करेंगे, भूलना नहीं, जल्दी आना प्लीज। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए। नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। बाय बाय। आई लव यू डार्लिंग। आई स्वीट लव यू मामू। ये क्या मिस्टर साठे, इतने सारे बिल हर महीने आते हैं? हाँ सर, ये किरण साहब के हर महीने का खर्चा है। आखिर वो करता क्या? सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किरण साहब बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो चंदा नाम की एक नाचने वाली लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने चंदा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की, एक बाजार नाचने वाली के लिए तुम अपने भाई को, आपके और मेरे रिश्ते से बढ़कर चंदा और मेरा रिश्ता है भैया। ये नाचने वाली होगी तो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या बोलो? मां, तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो देखना एक दिन किरण तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाकर रहेगा। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, तुम जाने और किरण जाने। मैं जानती हूं रवि की हर बात सच है, लेकिन किरण बेटे
आखिर हर चीज की कोई हद होती है। तुम कुछ नहीं जानती माँ, कुछ नहीं। ये सब उस टाइपिस्ट की चाल है जो भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उषा को इस घर की बहू बनाकर इलेक्शन जीतने की तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम नहीं जानती माँ कि उषा दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये माँ कि भैया की शादी से पहले उषा और मेरी दोस्ती काफी अच्छी थी, यहां तक कि हम दोनों के बीच अब मैं कैसे कहूं मां, बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन तुम ही बताओ, कैसी औरत के होते हुए मैं इस घर में चैन से कैसे रह सकता हूं? ओह, तो ये बात है। हाँ। तो फिकर मत करना, मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं खो सकती। मां, अगर उषा को मैं अपनी चाल का मोहरा बनाकर इस घर की बहू बना सकती हूं तो उसे इस घर से निकाल भी सकती हूँ। क्या? देखो बेटे, लंदन की एक कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मगर माँ, उषा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ? गैरों की तरह बातें मत करो रवि, सास के लिए बहू तो बेटी समान होती है, और उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू की चिंता लगी रहती है। बेटे देखो शाह, तुम्हारे ये आंसू कहीं मेरे पाँव में जंजीर न डाल दे। मैं कहा तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन मेरा मुझे डर सा लग रहा है रवि। अरे इसमें डरने की क्या बात है? जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा माँ को है। वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी, और फिर कुछ दिनों की तो बात है, काम खत्म होते ही मैं जल्दी लौटाऊंगा। हेलो, हेलो, हाय जान, हाय, हाउ आर यू? फाइन, करवटे बदलते रहे सारी रात हम बड़े आपकी कसम बड़े आप। बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त मालिश की थी मैंने? मालिश? गरम गरम पानी में तेल। मगर तुम ना, छी बाबा, कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में, एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो, हेलो श्याम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, कट गया था, सॉरी। श्याम? हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम? हाँ श्याम, क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करके थकान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। Hmm.